नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। संसद में हुई कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के ऊपर चर्चा, सरकार ने दिया विपक्ष को जवाब, तैयारियों का पूरा लेखा जोखा पेश किया। केजरीवाल ने किया दावा, दिल्ली में लगे 2,75,000 CCTV कैमरे, केजरीवाल का दावा, दिल्ली ने लंदन और पेरिस को पीछे छोड़ा। चुनाव के पहले बीजेपी हुई और मजबूत, पूर्व DGP सरबदीप सिंह विर्क हुए बीजेपी में शामिल। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने जताई चिंता, आम आदमी पार्टी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने फिर साधा योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर निशाना, कहा महंगाई के मोर्चे पर प्रदेश और पूरे देश में फेल रही बीजेपी। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार के पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं, 700 किसानों की मौत हुई पर सरकार सोती रही। तूफान जवाद को लेकर आंध्र प्रदेश और आसपास के तटीय इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। आर्थिक संकट से परेशान सर्बिया में पाकिस्तानी दूतावास के कर्मचारियों ने ट्वीट करके इमरान खान पर लगाया आरोप, कहा 3 महीनों से बिना पैसे के काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा अकाउंट हुए हैक। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत के मयंक अग्रवाल ने लगाया शतक, ताजा अपडेट मिलने तक स्कोर 200 रन पर 4 विकेट। और मिर्जापुर में ललित का किरदार निभा चुके ब्रह्म मिश्रा का निधन, हार्ट अटैक से केवल 32 वर्ष की उम्र में गई जान, सेलिब्रिटीज ने जताया शोक।